आदमी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कमाई कर नहीं रही हूँ, सेविंग मेरी हो नहीं रही है, जो जमा है बस निकाल रही हूँ, खा रही हूँ, निकाल रही हूँ, खर्च कर रही हूँ। अब सोचिए जिस दिन ये बैलेंस मिल हो जाएगा, क्योंकि कमाई कुछ नहीं, सेविंग कुछ नहीं, अगर ये बैलेंस मिल हो गया उस दिन मेरी स्थिति क्या होगी, खाने के गिलाले बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि खाना खाना तो सामने हो पर मुंह काम ना करे, इसलिए दोनों ही स्थिति में, चाहे स्थिति सुख में है, चाहे समय मेरे अनुकूल है, चाहे स्थिति दुख में है, चाहे समय मेरे अनुकूल नहीं है, दोनों ही स्थिति में मुझे पुण्य कर्म चाहिए। ये मेरी असली पूंजी है, असली कमाई है, ये है दौलत, हर दिन कमाऊं, हर दिन जमा कर जाऊं। तो पुण्य इमीजिएटली कैसे कैसे बढ़ते, उसमें से एक टॉपिक काफी भाई बहनों ने सुना भी होगा, लेकिन बहुत इसकी डिमांड आई है, रिक्वेस्ट हुई है, तो मैं फिर से इसको लेकर आ रही हूँ आपके बीच में। इमीजिएटली पुण्यों में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, इमीजिएटली जो पुण्य का प्रभाव तेजी से काम करता है वो कैसे होती है। ऐसे तो भगवान से हमारे सभी रिश्ते हैं, कहा भी गया त्वमेव मातश्च पिता तुम्हें, तुम्ही बंधु, तुम्ही सखा, तुम्ही गुरु, तुम्ही देव, सब कुछ तुम हो। सारे रिश्ते भगवान से बना सकते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे विशेष तौर पर तीन संबंधों में बने रहते हैं उससे। एक नेचुरल नेचर जो बन गई है हमारी, कॉमन वो गया है जो हमारे लिए बाबा से रिश्ता, वो कौन सा है, बड़ा नेचुरल सा रिश्ता जो बन गया है वो है बाबा का, यानी के पिता। जब हम उसके महावाक्य सुनते हैं तब वो हमारे सामने किस रूप में उपस्थित होते हैं, शिक्षक। एक और तीसरा बड़ा भारी बड़ा इंपोर्टेंट रिश्ता भगवान के साथ है, जिस थोड़े बिसरे रहते हैं हम, वो कौन सा है, परम सदगुरु। और ये रिश्ता ऐसा है कि यदि एक बार मेरी ओर से मेरा सदगुरु राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो फिर जो भगवान के बारे में कहावत है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ये उसके बारे में गाये हैं। क्योंकि पिता और टीचर के सामने कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पिता के पास जितना होगा ना उतना ही बच्चों को देगा, और जितने बच्चे होंगे उतनों को बांट कर देगा, भले उनमें से एक अनन्य पुत्र क्यों ना हो, उसका एक अति प्रिय पुत्र क्यों ना हो, परंतु पिता की ये लिमिटेशन है। छात्र स्टूडेंट कितना भी प्रिय क्यों ना हो शिक्षक का, परंतु यदि पढ़ाई में कमजोर है तो नंबर भी वैसे ही होंगे। प्रेम अलग जगह है और उनकी लिमिटेशन अपनी अलग जगह है, परंतु ये जो सदगुरु का रिश्ता है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। अगर एक बार ये हम पे प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो अपनी नवनिधि समस्त शक्ति समस्त सिद्धि अपने सारे वरदान दुआएं ब्लेसिंग साथ सब कुछ नौछावर कर देता है, इसके सामने के कोई लिमिटेशन नहीं है।